मुआवजा पीड़ितों ने कालपी में चल रहे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को बंद कराया। देखिए जालौन से अमित यादव की रिपोर्ट। मामला जालौन के कालपी का है, जहां एक ओर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं दूसरी ओर NHAI के अधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण मुआवजे के विवाद का निस्तारण नहीं किया गया, जिसके चलते आज मुआवजा न मिलने के कारण गुस्साए संघर्ष समिति के अध्यक्ष इस्लाम अंसारी ने दर्जनों मुआवजा पीड़ितों के साथ कालपी में हो रहे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को रुकवा दिया, जिसकी भनक लगते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और प्रशासन हरकत में आ गया। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सुशील कुमार शुक्ला ने मुआवजा पीड़ितों को 5 दिन के अंदर मुआवजा दिलवाए जाने का आश्वासन दिया है। 15 तारीख को SDM साहब के यहाँ ज्ञापन दिया हुआ था, तो उन्होंने हमको 29 तारीख तक के लिए आश्वासन दिया था कि आप लोगों का मुआवजा आ जाएगा 29 तारीख तक, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। क्या आज हम लोगों ने ये काम रुकवाया तो आज फिर SDM साहब ने हमको लॉलीपॉप दिया है। 5 दिन का मोहलत मांगी है SDM साहब ने। 5 दिन के अंदर अगर आपका नहीं आता है मुआवजा तो काम बंद कराएंगे, कह रहे थे खुद खड़े होकर काम कराएंगे बंद। SDM साहब ने कहा है कोतवाल साहब के सामने कि अगर हमारा 5 दिन के अंदर पैसा मुआवजा नहीं आएगा रोड का काम बंद करा दिया जाएगा।